engineers, welcome to the world of Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे आपका स्वागत करता हूँ. करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ. छत्तीसगढ़ में निर्माण ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे लें? दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो छत्तीसगढ़ के उन भाई बहनों के लिए लेके आया हूँ जिनके मैसेज मुझे कई दिनों से आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ठेकेदारी कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएं और किस विभाग में ठेकेदारी करें. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ज़्यादा दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है. ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होने के बाद यह प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है. दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य के ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन हेतु 27 जनवरी 2014 से एकीकृत पंजीयन प्रणाली ई पंजीयन व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है, जिसे आप अपने घर में घर बैठे केवल लोक निर्माण विभाग में अपना निर्माण ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवा कर छत्तीसगढ़ के किसी भी विभाग में ठेकेदारी कर सकते हैं. इसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है. दोस्तों, अपना ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके लिए आपको कितनी फीस जमा करनी होगी, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब जानने के लिए ये वीडियो को पूरा देखें, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ. दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में और देखते हैं यहाँ क्या दिया है. आप अपने किसी भी वेब ब्राउजर पर टाइप करेंगे www.pwd.cg.nic.in. इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ लॉगिन कॉर्नर पर आकर ई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं. यहाँ ई रजिस्ट्रेशन के संबंध में सारी जानकारी दी गई है. इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों के लिए चार श्रेणी बनाया गया है, अ, ब, स एवं द. अब यहाँ हम पंजीयन प्रणाली के बारे में जानेंगे. यहाँ श्रेणी अ ठेकेदार असीमित राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है. श्रेणी ब ठेकेदार ₹10 करोड़ राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है. श्रेणी स ठेकेदार ₹2 करोड़ राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है एवं श्रेणी द ठेकेदार ₹1 करोड़ राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है. अब बात आती है कि निर्माण ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन के लिए कितना शुल्क अथवा फीस निर्धारित की गई है. तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी अ ठेकेदार के लिए ₹50,000, श्रेणी ब ठेकेदार के लिए ₹20,000, श्रेणी स ठेकेदार के लिए ₹10,000, श्रेणी द ठेकेदार के लिए ₹5,000 पंजीकरण शुल्क निर्धारित है, जो कि वापस नहीं किया जाएगा. साथ ही इसके लिए आपको लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD में सुरक्षा निधि ही जमा करनी होगी, जो भी किसी नेशनलाइज्ड बैंक में बनवानी होगी. श्रेणी अनुसार निर्धारित राशि की FDR बनवाकर आपको कार्यालय में जमा करनी होगी, जो कि इस प्रकार है. श्रेणी अ ठेकेदार के लिए ₹10,00,000 की FDR, श्रेणी ब ठेकेदार के लिए ₹5,00,000 की FDR, श्रेणी स ठेकेदार के लिए ₹2,00,000 की FDR एवं श्रेणी द ठेकेदार के लिए ₹1,00,000 की FDR जमा करनी होगी, जो कि वापसी योग्य होगी, जिसे पंजीकरण प्राधिकारी के पदनाम से बनवाई जाएगी अर्थात प्रमुख अभियंता छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के नाम से बनवाई जाएगी. अब प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ के निर्माण विभागों में ठेकेदारी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या अर्हताएं हो या योग्यता होनी चाहिए, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट या अनुभव होने चाहिए कि हमें उन चारों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में रजिस्ट्रेशन मिल सके. दोस्तों, अगर आप लोग सही में ठेकेदारी करना चाहते हैं और ठेकेदारी से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस शहर में ठेकेदारी करना चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए आपसे संबंधित टेंडर की जानकारी अपने वीडियो के अनुसार दे सकूं. सबसे पहले देखते हैं 10 श्रेणी वालों का. पहला, पैन नंबर अथवा टीन नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि. दूसरा, टीन नंबर की प्रमाणित प्रति जो कि अब GST हो गया है. तीसरा, शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट जो कि ₹5 की नॉन जुडिशियल स्टैंप पर बनवाया जाएगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट 3 में दिया गया है, जिसे आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं. चौथा, विद्युत कार्य हेतु लाइसेंस प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ. पांचवा,
दो फोटोग्राफ के साथ तथा सिग्नेचर जो बैंक अधिकारी के अनुसार प्रमाणित हो। छठा, फर्म के पंजन अथवा पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, अब जाकर आप 10 श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अ, ब एवं स श्रेणी के लिए क्या क्या आवश्यक है। इन तीनों श्रेणियों में पैन या टीन नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं टीन या जीएसटी नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा शपथ पत्र की आवश्यकता है ही, तथा एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है। आइए श्रेणीवार जानते हैं कि किस श्रेणी के लिए क्या अनुभव की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों में कम से कम अ श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 3 वर्षों में 10 करोड़ का कार्य किया हो, ब श्रेणी के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 वर्षों में 4 करोड़ का कार्य किया हो, स श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 3 वर्षों में 1 करोड़ का कार्य किया हो, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए एनेक्सर इसी पीडीएफ में दिया गया है। साथ ही ये आवश्यक है कि अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता या इसके समक्ष किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि 10 श्रेणी के लिए किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए एनेक्सर इसी पीडीएफ में दिया गया है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता या इसके समक्ष किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो तभी मान्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी प्राइवेट ठेकेदार से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर यहाँ सबमिट कर दिए। साथ ही आपका किसी नेशनलाइज्ड बैंक में होना भी आवश्यक है। दोस्तों, यदि किसी फर्म का पंजीयन कर रहे हैं तो फर्म का पंजीयन पंजीयक फर्म एवं सोसाइटी में होना आवश्यक है। यदि आपकी फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, और यदि आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का पंजीयन तथा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा पिछले 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट आदि की दस्तावेजों की नोटरी से सत्यापित प्रति होना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए कि जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते रहूं। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के प्रारूप यहां दिए गए हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बातें अच्छी तरह समझकर सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो और उन्हें स्कैन करके फाइल बनवाकर पेन ड्राइव में अपने पास रख लो। आगे की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आपको पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाकर सबसे पहले निर्धारित राशि की फीस जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी। इसके बाद आप पीडब्ल्यू के ही ऑफिस में शापित सुविधा केंद्र में जाकर अपनी रसीद दिखाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर सुविधा केंद्र पर प्रस्तुत करने के बाद सर्वप्रथम आपका प्राथमिक पंजीयन कर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे एवं आपकी समस्त जानकारी सुविधा केंद्र द्वारा ऑनलाइन फीड की जाएगी। उसके बाद आपके समस्त डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट निकालकर आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी उसकी सूचना आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से विभाग द्वारा दी जाएगी और आपसे सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए एफडीआर की मांग की जाएगी। जैसे ही आप एफडीआर जमा कर देंगे आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन की सूचना आपको ईमेल या एसएमएस द्वारा आपके यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। किसी अच्छे से और टॉपिक पर एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।